वो भी आए और माला से प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। विनोद जी हमारे मंडल के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता एससी मोर्चा जिला प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो आए और अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जितेंद्र जी अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनसे निवेदन है कि वो माला से प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। द्वारिका वार्ड से प्रवीण लांबा जी से निवेदन है कि वो आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सबसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। जोगिंदर जी किसान मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सभी कार्यकर्ता जो मंच पर हैं, उनसे निवेदन है कि पीछे पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। हरीश जी जो हमारे पार्टी के बहुत ही युवा और मजबूत कार्यकर्ता, उनसे निवेदन है कि वो आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। राजमंगल महतो जी पूर्वांचल मोर्चा की शान, उनसे भी निवेदन है कि आए और स्वागत करें। ब्रज बिहारी जी से निवेदन है कि वो भी आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्रीपाल जी हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए अध्यक्ष जी का स्वागत करें। धर्मेंद्र जी से निवेदन है कि वो भी आए और अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बाकी एक एक मिनट और लगेगी। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई प्रदीप वत्स जी से कि उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे निगम पार्षद सुषमा गोदारा जी हैं, उनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा सुनीता जी से कि वो सुषमा जी का स्वागत करें। भारत माता की, किसी का नाम मुझसे छुटा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन महलावत जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। भाई जगमोहन जी हमारी बहुत ही प्रमुख कार्यकर्ता महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य है, ममता जी से निवेदन है कि वो भी स्वागत करें। संदीप गहलोत जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि आकर स्वागत करें। साथ में धर्मेंद्र जी आपसे भी निवेदन है आप आए। मैं निवेदन करूंगा हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रदीप वत्स जी से, वो हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष जयवीर राणा जी का एक शॉल भेंट कर सम्मान करेंगे। नरेश प्रधान जी से निवेदन करूंगा। सुशील चौहान जी हमारे दिल्ली प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी संयोजक, उनका स्वागत है। हमारे प्रदीप भाई सुशील चौहान जी का, सुशील चौहान जी से प्रधान जी आप सुशील चौहान जी का स्वागत है। हमारे मंडल अध्यक्ष करें आप भैया, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। हेलो भैया ये थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, ये व्यवस्था कर, व्यवस्था ठीक रखो भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मैं भैया ये पीछे हो जाओ, मंच पर नाम लेके कहना के पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ। आज इस सम्मान की कड़ी में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले चार दिन से हमारे इसे निगम में हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही जुझारू और बहुत ही ईमानदारी से
पूरी झुकी सम्मान यात्रा के संयोजक हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। दिल्ली प्रदेश के आदरणीय महामंत्री दिनेश प्रताप जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यवान राणा जी एक शॉल भेंट कर दिनेश प्रताप जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। और आपके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं दिल्ली प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष से बहुत ही ईमानदारी के साथ सभी के लोगों के बीच में जाकर सबके जीवन के विकास की यात्रा को मजबूत करने के लिए निरंतर संघर्ष जारी है। एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी, सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। भारत माता की। श्री आदेश गुप्ता। बोलिए भारत माता की। दो मिनट रख ले। बोलिए भारत माता की। थोड़ा सा आवाज कम लग रही है, ऐसा है ना? बच्चों की आवाज तो तेज है ना? बच्चों की आवाज तेज है तो आप लोग नारा लगाओगे? चलो अच्छा, पहले बड़े लगाएंगे फिर बच्चे लगाएंगे। जिसकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे, ठीक है? तो बड़े लोगों की बारी है। बोलिए भारत माता की। पीछे देखो, हमारी माता है, बहने, भाई खड़े हैं, उन्होंने नारा नहीं लगाया, पीछे भी आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। बच्चों एक बार बोलो आप लोग, बोलिए भारत माता की। वाह भाई, बच्चों की आवाज तेज है ना? तो बच्चों के लिए सब लोग तालियां बजाएंगे, पीछे जो खड़े हैं वो भी बजाएंगे, मंच वाले भी सब बजाएंगे। आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा जो बिजवासन विधानसभा में समालखा गांव की झुग्गी बस्ती और बिजवासन वार्ड में आई है, यहाँ हमारे बीच में उपस्थित यात्रा के हमारे संयोजक भाई दिनेश प्रताप सिंह जी और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई जयवीर राणा जी, अच्छे बच्चे कैसे आवाज नहीं होगी, और हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन महलावत जी यहाँ उपस्थित हमारी यहाँ इस विधानसभा की निगम पार्षद बहन रविंद्र सुषमा गोदारा जी और सत्यवान राणा जी जो जिले में उपाध्यक्ष हैं और पूर्व निगम पार्षद बहन शशि राणा जी, यहाँ जिले के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्ष प्रदीप भट्टी और उनकी पूरी टीम, युवा मोर्चा के हमारे तेजेंद्र यादव जी और सभी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, और ये समालखा गांव की जो झुग्गी बस्ती वहाँ के सब भाई बहन एक बार जोरदार अपने लिए जयकारा लगाएंगे। बोलिए समालखा गांव की झुग्गी बस्ती के भाइयों की, बहनों की, बुजुर्गों की और प्यारे बच्चों की जय। देखिए झुग्गी सम्मान यात्रा है क्या, ये आज हम भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है उसको लेकर हमारे बीच आए हैं। देखो हमारे बीच में वो झुग्गी झोपड़ी सेल के प्रभारी नीरज तिवारी जी खड़े हैं, ये हमारे संयोजक हैं सुशील चौहान जी, पूरी झुग्गी यात्रा में साथ रह के झुग्गी झोपड़ी में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखो उज्ज्वला योजना के बारे में पता है ना आपको, एक गैस का सिलेंडर, एक गैस का चूल्हा और एक गैस का कनेक्शन और 2 लाख रुपए का बीमा उसमें मुफ्त दिया जा रहा है, ये योजना भी झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से आपको दी जाती है। किस किस को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है,
जिसको गैस का कनेक्शन चूल्हा सिलेंडर हो, किस किस को मिला है बताइए? नहीं मिला? आपके पास सबके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं है? ये राशन कार्ड बनाने का काम पता है किसका है? किसका है? केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का है। 11 लाख लोगों ने एप्लीकेशन आप जैसे लोगों ने लगा के डाली है, लेकिन अभी तक उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला है। अगर उनको आपके पास राशन कार्ड होता तो मोदी जी ने जो 5 किलो राशन आपको दिया वो आपको मिलता है नहीं मिलता बताइए? नहीं मिला ना? अगर वो राशन कार्ड आपको बना के दे देते तो आपको मिलता राशन। लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने राशन कार्ड नहीं बनाया इसलिए आपको राशन नहीं मिला। मोदी जी ने तो दिया लेकिन केजरीवाल साहब ने रोक दिया। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज भी पूरे देश में दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं दे रही। और ये मुख्यमंत्री जी घोषणाएं बहुत करते हैं लेकिन काम जमीन पे कुछ नहीं करना। ना राशन कार्ड बनवाए, ना उन्होंने दिल्ली के अंदर जो कहा था कि हम गरीब आदमी झुग्गी वालों को पानी हम फ्री कर देंगे, पानी दे देंगे। आज लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। बताइए, साफ पानी मिल रहा है क्या? साफ पानी नहीं मिल रहा है। और हर उन्होंने कहा हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, नल से पानी देंगे। नल से पानी दिया जा रहा क्या? ये जो झुग्गी सम्मान यात्रा है ये नल से जल पहुंचाने के लिए, पानी की लड़ाई को लड़ने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो मुख्यमंत्री साहब है ना भाई, बैठ जाओ बच्चों, ये जो झुग्गी सम्मान यात्रा आप लोगों को कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताने के लिए जो मोदी जी घर घर पहुंचा रहे हैं। जिसके पास भी गैस का कनेक्शन, गैस चूल्हा नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है, वो हमारे मंडल के अध्यक्ष से संपर्क करके, जयवीर जी से संपर्क करके, सत्यवान जी से संपर्क करके हम उस गैस को गैस कनेक्शन दिलवाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी गरीबों की चिंता करते हैं। मोदी जी गरीबी उन्होंने नजदीक से देखी है और वो जानते हैं गरीब का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनकी मां ने भी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार को पाला है। और इसीलिए उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्वनिधि योजना हो, जिसमें 10,000 रुपए तक का लोन रेड़ी पटरी पर जो काम करते हैं उनको मिलता है, वो काम भी मोदी सरकार ने सभी लोगों के लिए, गरीबों के लिए किया है। कोई भी योजना उन्होंने अमीरों के लिए नहीं निकाली, टाटा बिरला और अमीर लोगों के लिए नहीं निकाली। जो भी योजना है मोदी सरकार की वो गरीब आदमी, आम आदमी, सामान्य व्यक्ति नहीं मिली, जिसको स्थान नहीं मिला, जिसको काम करने का मौका नहीं मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो क्या महिलाओं की, बेटियों का संख्या कम थी? आज बेटियों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम हो गई है, ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन उन्होंने जो चलाया उसी का परिणाम है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो वादे किए पूरे किए। केजरीवाल साहब ने कहा साफ पानी देंगे, आपको साफ पानी मिला क्या? आपको घर में नल से पानी मिला क्या?
राशन कार्ड बने क्या, उनके वादे कोई पूरे नहीं हुए और वो प्रचार में पूरे दिख रहे हैं, विज्ञापन पे पूरे दिख रहे हैं। और पता वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो अपने बंगले के ऊपर एक स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। स्विमिंग पूल जानते हो ना क्या होता है? स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल की लागत पता कितनी है? 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ कितना होता है गिनती जानते हो ना? 10 करोड़ कितनी होती है? जब 1 लाख की गिनती हम एक बार गिनेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 100 तक होगी तो कितना होगा बताओ? कितना होगा? और 10 करोड़ के लिए कितनी गिनती गिननी पड़ेगी? 10 करोड़ के लिए 1000 गिनती गिननी पड़ेगी। और उन्होंने तो 10 करोड़ खाए, 20 करोड़ भी लागत लग सकती है। तो ये केजरीवाल साहब अपना स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं बंगले के ऊपर और उसमें साफ पानी भरेंगे, चमचमाता हुआ, तली भी दिख रही होगी। लेकिन ये समालका गांव की जो झुग्गी बस्ती है वहां आपको साफ पानी मिल रहा क्या? तो जो वादे किए पूरे नहीं किए उन्होंने, मोदी जी ने जो वादे किए पूरे किए। 5 लाख रुपए तक का इलाज उन्होंने पूरे देश में दिया लेकिन दिल्ली में केजरीवाल ने रोक दिया। तो जिन जो वादा करते हैं निभाते हैं पूरा करते हैं उनका नाम क्या है? जो वादा करते हैं और निभाते हैं उनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। जो वादा करते हैं और उसको निभाते हैं उनका नाम क्या है? एक बार और बोलेंगे, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं और उसको निभाते हैं उनका नाम क्या है? और जो वादा करके भूल जाते हैं उनका नाम, जो वादा करके भूल जाते हैं, ये केजरीवाल साहब एक और काम कर रहे हैं। बता आपको, ये अभी इन्होंने हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे नए शराब के ठेके खोल रहे हैं, नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम साफ पानी देंगे, बिजली देंगे, नल से जल देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था हम दुकान खुलवाएंगे शराब की, कहा था नहीं कहा था? आप ये बताओ, शराब की दुकान ज्यादा जरूरी है या पानी देना जरूरी है? बहन जी बताओ, क्या शराब दुकान जरूरी है या पानी जरूरी है? बताइए भाई साहब, आपके लिए क्या जरूरी है, पानी जरूरी है या शराब की दुकान? शराब की दुकान जरूरी है, पानी? और उन्होंने तैयारी कर ली 850 नई शराब की दुकानें खोलने की। वो नई दुकानें हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पर, आप बताओ इसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? शराब की दुकानें खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, विरोध करोगे? तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, किसी भी कीमत पर हम कोई भी शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे। और हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के अध्यक्ष, जो भी शराब की दुकान खुलेगी आपके साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो एक एक सुनो भाई, एक मैं आपको एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक मेरे जानकार है, दोस्त है, और वो मेरे से ये बोले कि आप तो दिल्ली में रहते हो और दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बच्चों ये स्लेट किसको चाहिए? जिसको चाहिए वो चुपचाप बैठा रहे, बातचीत नहीं करेगा, ठीक है? अच्छे बच्चे कैसे? देखो तो उन्होंने कहा कि दिल्ली, आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल भी है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दिल्ली देश की राजधानी भी है, दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली दिल वालों की भी है ना?
दिल्ली दिल वालों की भी है, लेकिन मैंने उनसे कहा आइए और देखिए दिल्ली का दिल कहाँ है। दिल्ली का दिल अगर कहीं है तो समालता गांव की झुग्गी बस्ती जैसी हजारों झुग्गी बस्तियों के अंदर दिल्ली का दिल बसता है, क्योंकि दिल का शरीर के स्वस्थ रहने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है, और दिल धड़कता है तभी दिल्ली चलती है, तभी दिल्ली दौड़ती है, तभी दिल्ली जगमगाती है, तभी दिल्ली की फैक्ट्री चलती है, तभी दिल्ली के माल शोरूम चलते हैं, दिल्ली में बिजनेस होता है, व्यापार होता है, दिल्ली दौड़ती हुई नजर आती है, दिल्ली विकास की ओर दौड़ती नजर आती है, क्योंकि दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाला हर परिश्रमी मेहनती ईमानदार व्यक्ति जब सुबह उठकर खड़ा होता है तभी दिल्ली दौड़ने और भागने लगती है। उनको उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनके स्वाभिमान, उनके न्याय और अधिकार की लड़ाई के लिए आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके पास पलक पांवड़े बिछाकर आपके बीच आया है। मोदी जी का संदेश लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्योंकि जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तब कहीं जाकर हम दिल्ली को और सुंदर बना पाएंगे, और स्वच्छ बना पाएंगे, और अच्छा बना पाएंगे। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता आपके भाई बनकर, आपके सहयोगी बनकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भारत माता की। आदेश जी संघर्ष करो। मैं बोलूंगा आदेश जी संघर्ष करो, आप लोग बोलेंगे हम आपके साथ हैं। आदेश जी संघर्ष करो, आदेश जी संघर्ष करो। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके समस्याओं को लेकर के आपसे बातचीत किया, और प्रत्येक दिन हमारे दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी विधानसभा के किसी न किसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के उसमें रहने वाले प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान करते हैं, उज्ज्वला के लाभार्थियों को उज्ज्वला क्या गैस वितरण, गैस सिलेंडर चूल्हे का वितरण करते हैं, स्वनिधि योजना के तहत जो रेड़ी पटरी घूमचे लगाने वाले अपने भाई बंधु हैं उनके लिए स्वनिधि का 10,000 रुपये का जो ब्याज मुक्त है वैसा चेक प्रदान करते हैं। तो अध्यक्ष जी हमारे बीच में ये सब बातें रखे, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अध्यक्ष जी का अभिनंदन कीजिए। अभी कुछ ही क्षण में हमारे बीच में यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद श्रीमान रमेश बिधुड़े जी पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश में साथी श्रीमान जयवीर राणा जी और यहाँ के यशस्वी अध्यक्ष श्री जगमोहन जी, सत्यवान जी, विनोद जी, जीतू जी, अशोक जी, अपने
जी झोपड़े, सेल कैप्टन जोजा सुशील जी, प्रभारी नीरज तिवारी जी, ये सभी यहाँ पर मंच पर है हमारे बीच में। यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद श्रीमान रमेश बिधुड़े जी हमारे बीच में मंच पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें। मैं निवेदन करता हूं यहाँ के जिला श्री जगमोहन जी का कि माननीय सांसद जी का सम्मान करें, जयवीर राणा जी सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाएं। अब तो अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने लोकप्रिय जनप्रिय सांसद श्रीमान रमेश बिधुड़े जी से कि कुछ शब्दों में अपना उद्बोधन रखे माननीय सांसद। धन्यवाद रमेश जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जो गरीबों की पीड़ा को देखते हुए, गरीबों के दर्द को देखते हुए, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम हमारा है, आज मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी जो देश के लोगों के मन की बात 11 बजे थी, आप खुद को YouTube पर देखें। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, हमें सेवा करने का गरीबों का मौका कैसे मिले, गरीबों की आत्मा में भगवान वास करते हैं। उसी पद्धति को लेकर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गरीबों की पीड़ा को, दर्द को देखने के लिए, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और क्या कर सकती है, उनके दर्द का एहसास देखते हुए आपके बीच में है। नरेश प्रताप के हमारे जो पूर्वांचल के नरेश, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और इस जो जो यात्रा अध्यक्ष जी की है झुग्गी झोंपड़ियों में यात्रा, इसके प्रमुख हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भाई जयवीर जी, हमारे पार्टी के पूर्व में निगम पार्षद रहे भाई सत्यवान राणा जी, हमारे पूर्व चेयरमैन यहाँ के जॉन के भाई भूपेंद्र गुप्ता जी, हमारे बीच में सम्मान के योग्य हमारे निगम पार्षद के भाई मानु गोदाला जी, अन्य उपस्थित भाई यादव जी, रमेश जी, मैं सबका सम्मान, जीतू जी हमारे जो पोस्ट हमारे मंडल के अध्यक्ष, आप सब लोगों ने अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुना है। अब अध्यक्ष जी आपके बीच में गलियों में जा जाकर झुग्गी झोंपड़ी वालों की समस्याएं क्या हैं उनको देखेंगे, और देखने के बाद जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, जिनके पास 2014 से पहले का सबूत है, उनको पक्के मकान देने के लिए एक प्रकार से सर्वे, देश में हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान हो, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो उसमें रोड़ा अटकाए हुए है, वे फाइल बनाकर नहीं भेज रहा है, वरना 2022 तक पूरे देश में गरीबों को अपना पक्का मकान देने की प्रधानमंत्री की योजना है। उस योजना को फलीभूत करने के लिए अगर केजरीवाल फाइल नहीं भेजेगा तो प्रधानमंत्री ने कहा है हम सीधा डीएम को कहकर और सर्वे करवाएंगे, या केजरीवाल अगर तुम्हारे दिन अच्छे हैं इन गरीबों के नाम से तुम सत्ता पर बैठो, ये फाइल बनाकर सर्वे करके सभी केंद्र को भेज दें। जो गरीब झुग्गी में रहता है, जो किराएदार झुग्गी में रहता है 2014 से पहले, उसकी फाइल भेज दे केंद्र के पास, प्रधानमंत्री के पास। अगर नहीं भेज
सदस्यता करेंगे अगर राज्य सरकार समर्थन नहीं देगी तो। इसलिए अब अध्यक्ष जी आपके साथ साथ सभी झुग्गियों के दौरे के लिए जाएंगे। मैं दक्षिणी दिल्ली में आज तीसरी यात्रा हमारे अध्यक्ष जी की है, इसके बाद रंगपुरी पहाड़ी पर झुग्गियों में जाएंगे। मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों की पीड़ा सुनने के लिए आए। हमारे पार्टी के जो जुझारू लोकप्रिय हमारे जो जिला अध्यक्ष है जो सदैव गरीबों को उत्थान के लिए भाई जगमोहन महलावत जो लगे रहते हैं उनकी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं उनको बधाई देता हूँ कि अध्यक्ष जी का उन्होंने यहाँ पर टाइम रखवाया और अध्यक्ष जी के टाइम के अनुसार वो दौरा करने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब यहाँ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे सभी पदाधिकारी झुग्गी में यात्रा अपना प्रारंभ करेंगे। जगमोहन जी, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय सांसद जी से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय दिनेश प्रताप जी से कि वो इस यात्रा को पद यात्रा को शुरू करें और नीचे चलेंगे, आपके बीच में आएंगे। सभी से निवेदन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, लोकप्रिय सांसद रमेश भिदुड़ी जी का, जिस तरह से आपने इतनी देर से हौसला अफजाई और अपना आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से आपका जो आशीर्वाद है ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने के बाद जो आपके बीच में सारे काम होने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके द्वारा सारे काम करेंगे। चल भाई, चलो चलो चलो, आगे बड़े बड़े ये बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर मिलेगा सबको, इधर आ जाओ सब सारे बच्चे, भैया एक एक को यहाँ से दो, सारे बच्चे इधर आ जाओ और बड़े साथ चल जाए, सारे बड़े 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 सारे साथ चले जाए, सिर्फ छोटे बच्चों को मिलेंगे सामान। ये बच्चे बच्चे रहेंगे, पाकिस्तान उधर चल जाएगा साथ, गांधी आप भी साथ जाओ, जाओ साथ बटवा। अरे बटवा तो नहीं, चलो चलो बजाओ ना, बजाओ चलो।